इस वीडियो में मैं आपको अपर द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में बताने वाला हूं। हम सब लोग बहुत परेशान हैं अपर द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर, जो कि सिंगल मोड ऑफ कम्यूट है गुड़गांव से दिल्ली जाने के लिए आज के डेट में, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो बन रहा है और उसको बनने में अभी टाइम है। तो जितने भी ट्रैफिक है यहां से वो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर वो दिल्ली की तरफ जाते हैं। तो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे का जो रोड का हालत है वो बहुत ही खस्ता, बहुत ही ख़राब हो गया और उसको मरम्मत करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अपर द्वारका एक्सप्रेसवे में क्या काम शुरू हो गया है, इसके रोड रिपेयर का कितना टाइम लगेगा, क्या क्या काम अभी शुरू हुआ है। ये धनकोट का गांव है, ये सेक्टर 102 है। आप ये जो अपार्टमेंट्स देख रहे हैं, ये वाला अपार्टमेंट्स, ये गुड़गांव ग्रीन्स है और ये ROF का अफोर्डेबल हाउसिंग अलियास के नाम से। तो इस जगह पर आज काम शुरू हुआ है और यहाँ से काम दिल्ली की तरफ जाएगा। तो इस वीडियो में आपको यहाँ पे क्या काम शुरू हुआ है वो बताने वाला हूँ। प्लस ये जो आप बीच का रास्ता देख रहे हैं ना, आप देखिए इसमें आपको गूगल मैप में भी आपको मिट्टी विट्टी दिख जाएगी। यहाँ पे देखिए रोड के दोनों ही तरफ यहाँ पे मिट्टियाँ भरी हुई है, इधर भी इवन मीडियन जो है जहाँ पे पेड़ पौधे लगने चाहिए उसके भी लेफ्ट राइट में सारी मिट्टियाँ हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि जो रोड का काम है वो यहाँ पे क्या शुरू हुआ है, और ये जो बीच का मीडियन है जहाँ पे प्लांटेशन होना चाहिए था, ग्रीन एरिया बनना चाहिए था, उसका क्या स्टेटस है और इसका नेक्स्ट वे फॉरवर्ड क्या होगा, इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो पहला वीडियो मैं आपको इस पॉइंट का दिखाने वाला हूँ। जो दूसरा वीडियो आपको दिखाऊंगा वो देखिए, ये एक्सपीरियन हार्टसॉन्ग का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये शोभा इंटरनेशनल सिटी है सेक्टर 109 में। यहाँ पे नोरा सोलोमन मेडिकल हॉस्पिटल है चिंतल्स का। इस मीडियन में यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे भी हॉर्टिकल्चर का काम शुरू हुआ है। तो इस वीडियो में आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि ये हॉर्टिकल्चर का क्या काम हो रहा है और उसका भी वे फॉरवर्ड क्या है। फिलहाल अब तो ये जो क्रिकेट ग्राउंड है ना शोभा सिटी का, ये बड़े क्लियरली दिखने लगा है। एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा। ऐसा कोई भी रेसिडेंट नहीं होना चाहिए द्वारका एक्सप्रेसवे का जो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे यूज़ करके जाता है और उसको इसमें क्या काम होने वाला है उसके बारे में पता ना चले। तो इस वीडियो को सारे रेसिडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, जितने भी आपके सोसाइटीज़ के व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें भी शेयर कीजिएगा, जितने लोगों ने यहाँ पे घर लिया हुआ है वो भी एक दूसरे के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो को 1000 लाइक्स चाहिए सो दैट नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे मोटिवेशन मिले। 1000 लाइक्स कर दीजिएगा वीडियो को। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको सबसे अवेटेड वाला इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जितने लोग द्वारका एक्सप्रेसवे में रहते हैं वो सब आज के डेट में दिल्ली जो जाते हैं वो इस 75 फुटा रोड के थ्रू जाते हैं, यानी कि अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से जाते हैं। तो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे का जो रिपेयर वर्क है वो आज से शुरू हो गया है और इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि अभी फ़िलहाल क्या रिपेयर होने वाला है। यहाँ पे जो JE है जो इस रोड का रिपेयर करवाएंगे वो भी हैं, और रिपेयर करने के बाद इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा वो भी आपको बताने वाला हूँ। इस वक्त ये जो आप देख रहे हैं सेक्टर, ये सेक्टर 102 है, ये अफोर्डेबल हाउसिंग है, रेडी टू मूव इन है ऑलरेडी। इस तरफ आप देखेंगे तो ये गुड़गांव ग्रीन्स है सेक्टर 102 में, और अफोर्डेबल हाउसिंग के पीछे अगर आप देखेंगे तो BCTP एम्स्टोरिया है, और उसके बाद अलग अलग सेक्टर्स है जैसे सेक्टर 103, 106 ये सब है। तो ये जो पूरा रास्ता है वो यहाँ से लेकर दिल्ली के एंड तक वो रिपेयर होने वाला है। रिपेयर का मतलब ये नहीं कि ब्लैक टॉप, मैं वीडियो में आपको बताऊँ कि ब्लैक टॉप भी कब होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सेक्टर 102 है, कमर्शियल प्रोजेक्ट है। वहाँ मैं जूम करता हूँ, देखिए वो सेक्टर 99 में ओकस मेडली है, और मेरे राइट हैंड साइड में यहाँ पे धनकोट का गांव है। ये धनकोट का राउंड अबाउट है आगे, ये देखिए ये राउंड अबाउट है, और ये रास्ता यहाँ से रिपेयर होने वाला है। JE जी, यहाँ पे आपका नाम क्या है? रोहन। रोहन, और आपका? राहुल। क्या रिपेयर करने वाले हैं इसमें? अभी हम WM से रिपेयर कर रहे हैं। WM क्या होता है? मतलब वाटर मिक्स मैकेडम। तो वो मिट्टी विट्टी डाल के जो आप रिपेयर करते हैं वो गाड़ी में हमारा लोड है मटेरियल, वहाँ जो ट्रकें हैं जी। तो मैं जूम करता हूँ, देखिए जो ट्रक्स आपको दिख रही हैं 3-4 वहाँ खड़ी हुई, उसी से रोड लेवलिंग होना है। जहाँ जहाँ गड्ढे आप उस गड्ढे को भर देंगे। मशीनरी लेबर आई हुई है, मशीनरी आई हुई है, JCB खड़ी है। अच्छा, ये JCB भी यहाँ पे खड़ी है। रोलर आने वाला है, रोलर भी पोत रहा है, पूरी टीम आई हुई है। लेकिन इससे ये नहीं होगा कि जब बारिश हो तो वापस से वो मिट्टी बाहर आ जाएगी? सर ये टेम्परेरी रिलीफ के लिए कर रहे हैं, अभी इसका टेंडर होने वाला है। टेंडर अच्छा। होते ही फिर हम मौसम खुलते ही ब्लैक टॉप स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, रोड मोटरेबल करके देंगे, पूरा रोड मोटरेबल आप कर देंगे? और वो जो आप मोटरेबल करेंगे वो कब तक चलेगा? सर लाइबिलिटी होती है उसकी, अगर अच्छा। वो कोई पैच दोबारा क्रिएट होता है तो वो ठेकेदार के इशू वो अंडर आता है, वो ठेकेदार रिपेयर करके देगा। ओके जी।
और यहाँ आप देख सकते हैं सारे जो रेसिडेंट्स हैं अलग अलग सोसाइटीज के जो अपर द्वारका एक्सप्रेस से ट्रैवल करते हैं वो सब है। सरीन सर, हाय। हाय सर, रिपेयर हो रहा है, थोड़ा आराम मिल जाएगा? हाँ, उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम जो लोकल हमारे MLA हैं जो राकेश दौलतावा जी और सनी दौलतावा, उनसे हम अप्रोच कर रहे थे उनको, और कुछ मीडिया के दोस्तों ने भी सहयोग करा और आप भी उसमें से एक हैं जो कि सहयोग कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि एक जैसा कि जी मतलब जेई साहब ने बताया कि ये क्या टेम्परेरी रिलीफ एक बार जो बड़े खड्डे हैं उनको भर देंगे और एक महीने बाद थोड़ा और मतलब धीरे धीरे लेवल अप करेंगे और जो अल्टीमेटली जो हमें जो समझ में आया कि आने वाले टाइम में ये रोड एक बेहतरीन रोड होने वाली है कि दोनों तरफ ग्रीनरी, साइकिल ट्रैक सब कुछ होने वाला है, तो पीरियोडिकली ये मतलब अपडेट होगा। तो वी आर थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। ओके सनी जी, ये मेरे साथ सनी जी। हाय सनी जी, ये बताइए, रोड तो आप रिपेयर करवा रहे हैं, कई बार क्या होता है कि यहाँ पे रेसिडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं जलता है, उसका क्या करेंगे? देखिए प्रकृति जी, मैं आपको बताऊं, इनिशियली पहले हम रोड की बात करते हैं। इस रोड की कंडीशन लंबे समय से ख़राब है। ये 2011-12 के टाइम पे हुडा डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया था, उसके बाद इस पर दोबारा से कोई ऐसा मेजर काम नहीं हुआ है, पोर्ट होल भरने का काम हुआ है इसके जी। इनिशियली अभी हमने यहाँ पे जो भी डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, राकेश भाई साहब को सबने अप्रोच करा था और भाई साहब ने पर्सनली सोसाइटीज़ में विजिट करके सबको बताया था कि वी आर गोइंग टू मेक दिस एरिया, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन फ्यूचर जो प्लान्स हैं कि वी आर गोइंग टू मेक दिस एरिया इन अ वेरी बेटर प्लान्ड वे में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। इनिशियली अभी क्या है कि ये जो रोड है बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा खराब होने के कारण पोर्ट होल हो गए हैं। अभी GMDA द्वारा ये सारे के सारे पोर्ट होल भर दिए जाएंगे। ओके अभी बारिश के टाइम पे बिटुमिन का काम नहीं होता, तो बिटुमिन का काम जस्ट आफ्टर रेन्स जितने भी आपके मेजर इसके अंदर पोर्ट होल्स हैं उनकी बिटुमिन करके उसको पूरा तरीके से मोटरेबल कर दिया, ब्लैक टॉप कर देंगे। यस, ब्लैक टॉप कर देंगे उसको, मोटरेबल रहेगा। और उसके बाद जो राकेश भाई साहब ने अपने जो GMDA के CEO हैं और CM साहब से रिक्वेस्ट करके इस रोड को एज अ मॉडल रोड डेवलप करने का रिक्वेस्ट किया है कि इस रोड के दोनों तरफ सर्विस रोड बनाई जाएं और इसके जो जो ग्रीनरी है, प्लांटेशन है, एक यूनिफॉर्म वे में प्लांटेशन करी जाएगी, इस पे साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा। ओके तो ये टोटली जो इस रोड की विड्थ है, डेट इज द 99 मीटर रोड, राइट? तो दोनों तरफ इसमें 12-12 मीटर की सर्विस रोड है, तो इसको बहुत ही मॉडल तरीके से वी वांट टू डेवलप। आपको कब लगता है कि कब तक ऐसा डेवलप हो जाएगा? देखिए इनिशियली मैंने आपको बताया कि पोर्ट होल्स का काम तो अभी हो जाएगा और जो आपका ब्लैक टॉप वाला काम है वो विद इन जस्ट आफ्टर रेन्स हो जाएगा। September 2021 मान के चले, दिसंबर 2021 तक जो इसकी DPR वगैरह का काम है, जो मैं एक मॉडल रोड तैयार करने की बात कर रहा हूँ, सितंबर अक्टूबर में आपको ये बिल्कुल मोटरेबल और जितने भी पैच वर्क्स हैं वो सारे के सारे कंप्लीट मिलेंगे। ओके और उसके बाद इसकी कंप्लीट DPR तैयार करी जाएगी जिसमें साइकिल ट्रैक, जिसमें सर्विस रोड और आपका पूरा ग्रीनरी और ये सारा का सारा मेंटेन करा जाएगा। दूसरा, आपने कही स्ट्रीट लाइट की बात, तो स्ट्रीट लाइट के लिए भी अभी स्ट्रीट लाइट प्रिटेंस विद हुडा, हुडा ने ये लगाई थी, तो हुडा डिपार्टमेंट अभी इसको लुक आफ्टर कर रहा है। उसको भी हमने जो GMDA ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है और जो GMDA का कंप्लेंट नंबर है रिगार्डिंग द जो ये हमारी बेसिक एमिनिटीज हैं, सीवर पानी रोड, सर्विस रोड, स्ट्रीट लाइट वगैरह, तो इसके लिए उनको बोला है कि भाई आप इस नंबर पे जो भी कंप्लेंट आती है उसको टाइमली आप कंप्लीट करो। हमने ये देखा है कि जब भी स्ट्रीट लाइट बंद होता है हम लोग कंप्लेन करते हैं, एक हफ्ता चलता है उसके बाद फिर से बंद रहता है, परमानेंट सॉल्यूशन कब मिलेगा? परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि कई बार जैसे मैंने भी फॉलो करा है, कई बार ट्रांसफार्मर में दिक्कत आ जाती है, तो इसको कोशिश कर रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म हो जाए कि ये ऐसी दिक्कत ना आए। ठीक है, थैंक यू। मैं अपने विधायक जी से ये चाहता हूँ कि ऐसी कंपनी को इस रोड का ठेका दिया जाए जो कंपनी इस काम को ईमानदारी से करे और ईमानदारी के साथ साथ में ये ध्यान में रख के करे कि ये रोड आगे चलने वाली भी हो, ये ना हो कि एक बरसात में रोड बनाई, दूसरे बरसात में रोड फिर दोबारा उसी कंडीशन में आ जाए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है अपने श्री राकेश जी से कि प्लीज़ आप ऐसी कंपनी को ठेका दीजिए जो कंपनी का कम से कम आगे रिकॉर्ड ठीक हो और वो अच्छे ढंग से इस रोड को बना सके, मेरे इतना ही कहना। ठीक है, थैंक यू सर। ये हमारा मेन जो मुद्दा है, ये 75 मीटर रोड है, इसमें इतने भारी गड्ढे हो रखे हैं कि इस पर बाइक भी चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आए दिन बहुत एक्सीडेंट होते रहते हैं। और एक और जो मेन मुद्दा है, इस आस पास की सारी 102 का, इसमें जगह जगह जो खाली
जगह पड़ी है वहाँ पे पानी जमा हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाता है, जिससे अभी क्या है मच्छर डेंगू का खतरा बहुत बना रहता है। तो एक सरकार से ये भी गुजारिश है कि इस पे जो है वो स्प्रे किया जाए ताकि मच्छर जो है वो ना पन पाए और डेंगू का प्रकोप ना हो। अनएक्सपेक्टेड गड्ढों के नाते दुर्घटनाएं बहुत हो रही है, बच्चे बेचारे परेशान हो जाते। तो आप ये भी चाहते हैं कि इसमें वो जो मॉस्किटोज डेवलप हो जाते हैं पानी जमने की वजह से, उसका भी कुछ सरकार करे। उसका चल ही रहा है वो, कोरोना का दूसरा डेंगू भी आ जाएगा तो सबके ऊपर भी दोहरी मार पड़ेगी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। आप किस सोसाइटी से हैं? गुड़गांव ग्रीन्स। गुड़गांव ग्रीन्स, ठीक है, थैंक यू। ये देखिए यहाँ पे सारे रेसिडेंट्स हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ट्रक है जो अभी मिट्टी विट्टी जो है वो गिराएगी नीचे एंड देन उसको लेवल किया जाएगा। सामने सेक्टर 102 है और मेरे पीछे ये धनकोट विलेज है और यहाँ से अगर स्ट्रेट चले जाएंगे तो आप दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ से शुरू होगा रोड लेवलिंग का काम। और ये सामने जेसीबी, ये देखिए यहाँ पे श्री गणेश हो गया है रोड रिपेयर का। तो आई थिंक नेक्स्ट 3-4 दिन में या एक हफ्ते में ये रोड रिपेयर कर दिया जाएगा, मेजर जो पॉट होल्स हैं उसको भर दिया जाएगा। काफ़ी दिक्कत हो रही थी यहाँ के लोगों को गाड़ियाँ चलाने में। अगर आप सबने इस वीडियो में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया और सबके साथ शेयर किया और 1000 लाइक्स मिल गए तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो ड्रोन से बनाऊंगा पूरे 75 मीटर रोड का, ये जो अपर द्वारका एक्सप्रेस है जिसे हम बोलते हैं। देखिए काम चल रहा है यहाँ पे, अभी ये डालेंगे इसके बाद इसको रोड जो रोड रोलर होता है उसके बाद रोल भी करेंगे। सिर्फ ब्लैकटॉप नहीं होगा, अभी ब्लैकटॉप ये सब के लिए बाद में वापस से करेंगे काम, अभी तो एक टेम्प्रेरी रिलीफ दिया जा रहा है यहाँ के रेसिडेंट्स को। फॉलोअप करता था वहाँ पे तो जो आप लाइव फॉलो करते हो जी, एक तो आपकी आवाज़ इतनी मधुर है कि उसको सुनने का थैंक यू मन करता है। थैंक यू, है ना, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा। थैंक यू, हमारे बहुत सारे मेरे दोनों बेटियों ने यही अच्छा वो भी देखते रहते हैं आपको जी। थैंक यू, थैंक यू, अच्छा लगता है। जागरूकता समाज में तभी आएगी जैसे आगे आएंगे जी। इस जगह पे देखिए ये सेक्टर 108 है, रहेजा वेदांता और ये एक्सपीरियन का हार्ट सॉन्ग प्रोजेक्ट सेक्टर 108 में, वेस्टर्ली के प्लॉटेड प्रोजेक्ट भी है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये भी 75 मीटर रोड है अपर द्वारका एक्सप्रेसवे। यहाँ पे साफ सफाई का काम चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा मिट्टी हो गई थी इस पूरे रोड में, मीडियन के पास भी यहाँ पे इस जगह पे भी मिट्टी हो गई थी और रोड में भी धूल मिट्टी जम रही थी, तो इसको भी साफ कराने का काम शुरू करा दिया गया है। सामने सेक्टर 106 है, उधर जो हाई राइज बिल्डिंग आपको एंड में दिख रहा है वो सेक्टर 109 है। सनी जी,
यहाँ पे भी काम शुरू करवाया आपने जो DFO से बात किया था, तो ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ये देखिए जो रोड की जो हमारी जो सेंट्रल वर्ज है उसके दोनों तरफ जो झाड़ियाँ और पूरा पूरा एक गंदा सा माहौल था और जो हमारे रोड पे डस्ट थी, दैट इज द मेजर रीजन फॉर द पोल्यूशन। हम इसको कंप्लीट रोड से जो भी डस्ट वगैरह है वो सारी की सारी साफ करवा रहे हैं, क्योंकि अभी दिस एरिया इज कम अंडर MCG, तो यहाँ पे हमारी MCG की टीम लगी हुई है जो इन रोडों पे से सारी की सारी डस्ट को और इनको सबको क्लीन कर रही है। ये हमारे MCG के सुपरवाइजर्स हैं कुलदीप जी, सागर और ये सारे के सारे दिन रात मेहनत करके इसको पूरे को रोड को आप देखना कि इसको पूरे रोड की सफाई, तो ये डस्टिंग की सफाई हो रही है और झाड़ियां वाड़ियां जो होगी उसकी सफाई हो रही है, झाड़ियां वगैरह डिवाइडर में। लेकिन जो प्लांटेशन होना है वो ये नहीं कर रहे हैं, प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर विंग से करा जाएगा। ओके, दे आर फ्रॉम सैनिटेशन विंग। ओके, तो ये इसको पूरे के पूरे को क्लीन करेंगे। तो हॉर्टिकल्चर से जैसे कि आप देख रहे हैं रो में ये गुलमोहर के पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पे नहीं लगे हुए हैं, तो यूनिफॉर्म तरीके से इस रोड पे पूरे पे गुलमोहर के पेड़ लगाए जाएंगे। अच्छा, तो जिससे कि ये पूरा का पूरा ब्यूटीफाई भी हो। तो ये इस तरफ का भी जो अपर द्वारका एक्सप्रेस वे या 75 मीटर रोड है, इधर वाला भी ब्यूटीफाई हो जाएगा, डस्ट वस्ट पॉल्यूशन जो उसको हटाया जाएगा, और जो चिंतल्स कॉर्पोरेट पार्क है उसके पास वाला एरिया का भी जो है उसको भी क्लीन किया जाएगा। अभी वी स्टार्टेड दिस क्योंकि जैसा राकेश भाई साहब ने ऑफिशियल्स को, MCG कमिश्नर को और अपना सुधीर राजपाल जी को ये कराया कि भाई ये जो हमारे एटलीस्ट जो मेजर रोड्स हैं इन मेजर रोड्स पे कोई भी जो इस तरीके के हमारी जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, हमारी सीवरेज की वाटर लाइन और जो सैनिटेशन विंग है, तो एटलीस्ट हमारे ये सारे के सारे जो रोड है फर्स्ट फेज में हम इनको लेके सारे के सारे सेक्टर रोड्स पे से डस्ट हटाने का काम, ये झाड़ियां हटाने का काम और इस पे जो रो में प्लांटेशन कराने वाली काम है इसको इन कमिंग वीक्स में हम परस्यू करेंगे। तो जो मैं समझ पाया हूं वो ये है कि 75 मीटर रोड यानी अपर द्वारका एक्सप्रेस में तो ये साफ सफाई हो ही रहा है। हाँ जी, प्लस जितने भी सेक्टर रोड्स डिवाइडिंग रोड्स हैं, हाँ जी, जैसे 102 और 102 ए के हो गए या 109 और 106 के हो गए, तो सब में ये काम होना है, सब में ये काम होगा। ओके, सारे के सारे सब में स्टार्टिंग हो चुका है, स्टार्टिंग हो चुकी है। और ये कब तक आप कंप्लीट कर देंगे? सर कंप्लीट कर चुके हैं, वहाँ पे डोर टू डोर जा भी रहे हैं जी, और सनी भाई साहब से बात भी हुई थी वहाँ पे जाके। चिंटल में डीपी गोड़ जी है जो हमारे RW के जी, उनसे मुलाकात होने के बाद भाई साहब का नाम लिया था कि अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हैं। ओके, और हमारे लोगों के बीच में आते जाते रहते भाई। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ये सामने देख सकते हैं आप, ये सफाई का काम चल रहा है, लेबर्स ऑलरेडी लगी हुई है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जितना भी आपको डिटेल दिया गया इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये रोड कब तक मोटरेबल हो जाएगा। इस वीडियो को सब तक पहुंचाइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।